नमस्कार प्राइम ओडिशा सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस विधानसभा चासी प्रसंग में राजधानी में पॉलिटिकल ड्रामा मुख्यमंत्री को खोजा को बैनर प्लाकार्ड सह बीजेपी विधायकों पदयात्रा नवीन निवास को डाक बीजेपी विधायकों आलोचना कले मुख्यमंत्री गांधी मूर्ति तले कांग्रेस धारणा प्रताप जेना पाप थ्योरी नवीन निवास जी आसे पवित्र हो जाए एभली कही विवाद रे मंत्री बयान को विरोधी निंदा बैकफुट रे बीजेडी नंदीगाम रे धर्मेंद्र प्रधान राली रे हिंसा टीएमसी समर्थकों माड़ रे बीजेपी कर्मी आहत केन्द्रमंत्री कहले पश्चिमबंग में बहुत परिवर्तन आहवा दीदी गुंडागर्दी खिला नुहे विकास हेबो पश्चिमबंग में राजनीति जर प्रार्थी घोषणा पर हाई वोल्टेज प्रचार हलदिया निर्वाचन मंडल में द्विमुखी लड़े संभावना पुरुलिया जनसभा दीदी को प्रधानमंत्री टार्गेट विधानसभा उत्तर बना मंदिर प्रशासन किए कहि सत आईन मंत्री ना श्रीमंदिर प्रशासक कोटि कोटि ओडियांक भावावे को धोखा अभियोग सागमाछ दर में प्रभु जगन्नाथों जमी बिक्री षड़यंत्र बिलरे पाचुची बिलाती राउरकेलार नुआगाँ में लोकं मागणा बांटिले चाषी जाजपुर बरी में शीतल भंडार नथिबारु बीडीओं चौकी उपरे टमाटो माड़ कंदरपुर कॉलेज रे चली अध्यक्ष मेरी राज 35 वर्ष है अध्यक्ष शारदा प्रसन्न महापात्र बदली ट्रांसफर हेले कैंसल हो जाऊर बीजेडी विधायक चंद्र सारथी बेहरा अनुकंपा अभियोग ताति आरंभ जल संकट गजपति और नवरंगपुर आसला विकल चित्र पहाड़ उपरक गले मिलू पीवा पा देखा ग्राउंड जीरो अर्गस रिपोर्ट पश्चिमबंगे धर्मेन्द्र प्रधान राली उपरे आक्रमण नंदीग्राम में टीएमसी समर्थकों माड़ में बीजेपी कर्मी आहत हिंसा को निंदा कले केन्द्रमंत्री कहले हारिबार भय कारण गुंडागर्दी करुछि दीदी दल एभली हिंसा ही कहुछि पश्चिमबंगे बहुछि परिवर्तन हावा बंगाल रे बवाल रक्तमुखा हेउछि कि दीदी टीएमसी नंदीग्राम रे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राली रे हिंसा टीएमसी कर्मी पत्थर माड़ और गुंडागर्दी आक्रमण रे बीजेपी रा कर्मी आहत हिंसा को पश्चिमबंग रे परिवर्तन रा स्वर कहिले धर्मेंद्र टीएमसी रा एभली हिंसा को निंदा करिछंती केंद्रमंत्री लोकप्रियता हराउथिबारु टीएमसी हिंसा करुछि तेबे ए हिंसा परे बीजेपी रा कोनोसी कर्मी पछक हटिबेनी बरम एहा बीजेपी रा इच्छा शक्ति को मजबूत करिवो टीएमसी भय अराजकता गुंडागर्दी रा राजनीति करुछि नंदीग्राम रा सोनचुरा रे थिला धर्मेंद्र को जनसभा जेउठी दक्षिण मंडल रा बीजेपी कर्मी पूर्णचंद्र पात्र आहत होइथिले आहतों को निजे हॉस्पिटल रे पहुंचाइथिले केंद्रमंत्री प्रशासन विशेष करके ममता दीदी समूह लोकप्रियता कमी थिबा कारण गुंडागर्दी भय अत्याचार को सेमाने आश्रय नहीं नंदीग्राम रे निजे मुख्यमंत्री प्रार्थिनी निजे तांको भलिया नेतृत्व प्रार्थिनी हबा परे प्रजातंत्र रे विश्वास नहीं कम भरोसा से प्रतिपक्ष को विशेष करके भारतीय जनता पार्टी उपरे अत्याचार बढ़ी चली आज सका अंचल अच्छी बमबारी करवा जीवन नवार उद्यम मोर सामने आमर कर्मी पात्र को अत्याचार करवा पूर्ण पात्र को अत्याचार करवा मो सामने है 9 नंबर कालीचरणपुर अंचल पश्चिम 7 नंबर जालपाई ग्राम सशस्त्र अवस्था स्वयं काजीर नेतृत्व एक 150 जन पुरुष महिला निर्विशेषे सशस्त्र अवस्था इसे हमें हमला चालाय प्राय 20-22 मत मोबाइल 8 सोनार आंगटी माइक पैंडल समस्त लुट कर मंच भेंगे ओरा सीआरपी आसार पर भय ओखान अन्न दूर दिखे हटे चले जाए पश्चिमबंग अधिक शक्तिशाली हो पद्म बेंगल प्रति कोण में बीजेपी को विपुल जनसमर्थन लोकप्रियता कमुथबारु टीएमसी रागरे हिंसा और भयर राजनीति करुथबा केन्द्रमंत्री कहते तेरे टीएमसी गुंडागर्दी में पश्चिमबंग में निरपेक्ष निर्वाचन नहीं प्रश्न करिछंती धर्मेन्द्र बारंबार आक्रमण उपरे निर्वाचन आयोग दृष्टि देवाकु अधिक अर्थसामरिक बल मुतयन सह आक्रमणकारी कार्यानुष्ठान दावी करिछंती केन्द्रमंत्री
निरंतर शासन रे रहिला परे मन भितरे दम्भ और अहंकार आसी जाए सेटा पश्चिम बंगाल रे भी देखा दोउची किंतु गणतंत्र रे उदाहरण अछि बहुत नजीर अछि जे प्रजातंत्र रे दम्भ और अहंकार को स्वीकार नहीं करा जाए नहीं जागा भीतर नहीं देखो तो केवल बीजेपी कर्मी मानक विषय नुहे बंगाल जनता परिवर्तन चाहूची परिवर्तन पई समस्त को निष्पक्ष निर्वाचन रो सुजोग दबा एटा हमर निर्वाचन आयोग को अनुरोध मोर विश्वास आमर निर्वाचन आयोग से पई कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे। नंदीग्राम प्रथम घटना नुहे एहा पूर्वर भी अमित शाह जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी उपर भी आक्रमण हो सकती तेरे बीजेपी प्रति कार्यकर्तार रक्त परिवर्तन निय पकाउछि। धर्मेन्द्र प्रधान कहते चलित निर्वाचन में गुंडागर्दी खेला होगा ना दीदी एवं विकास आरंभ होते पश्चिम नंदीग्राम गोपबंधु साहू। पश्चिमबंगे निर्वाचन तारीख घोषणा परे सरगरम राजनीति बीजेपी टीएमसी एवं बामदल प्रार्थी तालिका प्रकाश परे आरंभ होइछि हाई वोल्टेज प्रचार। एने पश्चिमबंग निर्वाचन हालचाल जानिबा पई ग्राउंड जीरो रे स्थिति परखिथिला अर्गस टीम। सरगरम होउछि पश्चिमबंग राजनीति राजनैतिक दल सेमानक प्रार्थी घोषणा परे कर्मी मानंक मध्यरे उत्साह बढ़िछे। गांठु आरंभ करी सहर पर्यंत सबुठी हाई वोल्टेज प्रचार। हलदिया निर्वाचन मंडली रे त्रिमुखी लड़ी हेबार अनुमान करा जाउछे। बीजेपी और टीएमसी प्रचार जोरदार होइथिबा बेले सीपीएम बहु पछरे। 2011 निर्वाचन रे टीएमसी पश्चिमबंग रे क्षमता को आसीथिला। हलदिया निर्वाचन मंडली रे मध्य टीएमसी रो प्रार्थी सेउली साहा सीपीएम रो नित्यानंद बेरा 11,924 खंड भोट्रे हराइले किंतु 2016 निर्वाचन में यार व्यतिक्रम घटी टीएमसी उपरे हलदियावासी भरोसा करिले नाही। फलस्वरूप सीपीएम रो तापसी मंडल टीएमसी रो प्रार्थी मधुरीमा मंडल को 21,493 भोट्रे हराई सीपीएम पुणि थे हलदिया सीट को निज अख्तियार को नहीं। चलित निर्वाचन में तापसी मंडल बीजेपी टिकेट रे हलदिया निर्वाचन लड़ुं बीजेपी प्रार्थिनी हलदिया शिल्पबहु अंचल होते बेकार समस्या को मुख्य मुद्दा करी निर्वाचन मैदान को ओल्हपर टीएमसी प्रार्थी सपन नस्कर ममता सरकार द्वारा 10 वर्ष मध्य होता योजना को लोकों सान रखी निर्वाचनी बैतरणी पारी करने चेष्टा कर जनरेशन है उसके हाथ में कोई नकली नहीं है। हमारा जो आम आदमी के लिए इंडस्ट्री चाहिए और हल्दिया के लिए बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल चाहिए बड़ा हॉस्पिटल। विकास है मुद्दा डेवलपमेंट का खेला होगा। बहुत लोग को भत्ता दे दिया है और जो लोग बाकी है अभी वो लोग यह ही नहीं भत्ता के लिए हम लोग के पास आया ही नहीं इसीलिए वो लोग को भत्ता नहीं मिल रहा है। जो लोग हम लोग के पास आया है जो लोग घर घर जो सरकार का काम आया है उस सरकार का जो कैंप है उस कैंप पे जो लोग गया है सब लोग को भत्ता दिया है। आसंतु नजर पकाइबा 2016 निर्वाचन परिसंख्यन उपरे तत्कालीन सीपीएम प्रार्थी तापसी मंडल को 1,01,330 भोट मिलता बेले टीएमसी रा मधुरीमा मंडल को 79,837 खंड भोट और बीजेपी रा प्रदीप कुमार बिजाली को 13,471 खंड भोट मिलता। अन्यान्य 5,016 भोट पड़ता बेले नोटारे 2,383 भोट पड़ता। हलदिया निर्वाचन मंडल में मोट 2,50,900 भोटर थी बेले से 17% संख्यालघु भोट रही। हलदिया पहुँचापर दिन तमाम आम राजनैतिक दल मान सहित रु तेब राजनीतिक दल मान प्रतिनिधि मैंने स्थानीय लोक समस्या को नहीं से मुद्दा बनई निर्वाचन बैतरणी पार चेषा कर तबे स्थानीय लोकंकर कौन होता समस्या से मैंने कौली नेता को पसंद करुँच तबे आमे हलदिया टाउनशिप अंचल बस्ती अंचल रही जो अंचल कि राजनीति को रुचि रखुंट आउ कि लोके राजनीति में रुचि रखा लोकंर प्रतिक्रिया नहीं तबे कौन कहते आसतु शुणा गत 10 वर्ष भितर विकास योजन सामिल हो पारे लोके से पर दरकार हलदियावासी पर चाची आम तो किसी हाथे पर कान की ना ए जे बुढ़ा है आजकल के ऊपर है किंतु हम ही परिया घूरी थी
আমার পয়সা কড়ি নেই আমারকে দেয়নি কেউ কিছু সে যাকে দিচ্ছে দিচ্ছে আমারকে তো 200 টাকা করে ভাতা টাকা দেয় 200 টাকা কি হয় মমতা ব্যানার্জির মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই আছে কিন্তু উনি একটা শিল্পকে কেন আছে উড়ি উড়িয়ে দিল শিল্প তো চাই আপনি যত যোজনা করুন যাই করুন না কেন শিল্প চাই যুবক সমাজ চাইছে শিল্প শিল্প না করে কি করলো কি সেখানে সরিষা চাষ করলো আমরা সরিষা চাইনি আমরা শিল্প চাই আমরা মানুষের কাছে ই চাই হলদিয়া যে আগে বাম সরকার ছিল আগে তো ও 10 বছর আগে তো চলে গেছে তারপর থেকে শিল্পে মন্দা চলছে কর্মসংস্থানের কোনো ব্যাপার নেই হ্যাঁ যার জন্য দিল্লিতে বিজেপি সরকার আর বাংলায় যদি বিজেপি সরকার হয় তাহলে যৌথভাবে শিল্প আসতে পারে এই জন্য মনে হলদিয়া এলাকায় মানুষের মনে একটা এই আছে যে হলদিয়াতে যদি বিজেপি জিতে কি পশ্চিমবাংলায় যদি বিজেপি সরকার আসে তাহলে শিল্পের মুখ আসবে শিল্প যদি আসে বেকার সমস্যার সমাধান হবে হলদিয়ার সাধারণ লোকে পরিবর্তন চাহুথিবা বেলে স্থানীয় শিল্পর বিকাশ দরকার বলে দাবি করিছন্তি কিন্তু হলদিয়া কাহার হব তাহা নির্বাচনী ফলাফল হি কহিব হলদিয়া নির্বাচন মণ্ডলী যৌথে ভরপুর রয়েছে শিল্পাঞ্চল তবে টিএমসি শাসনরে 10 বর্ষ থিবা এই শিল্প সংস্থা সব স্থান পালুছি তবে শিল্পর বিকাশ এবং স্থানীয় নিযুক্তি মুদ্দা করে ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচন ময়দানকে ওলাইছি অন্য প্রকারে স্থানীয় লোকে নিযুক্তি আধার করে এবে সরকারের পরিবর্তনের আশা মধ্যে রাখিছেন পশ্চিমবঙ্গ হলদিয়ার ক্যামেরা পর্সন হেমন্ত সহ গোপবন্ধু সাউ অর্গস নিউজ মন্ত্রী প্রতাপ জেনাঙ্ক পাপি থিওরি নবীন নিবাস যে আসে পবিত্র হয়ে যায় রাজ্য সরকারঙ্କ পাওয়ারফুল ক্যাবিনেট মিনিষ্টর প্রতাপ জেনাঙ্କ এপরি বয়ান রাজ্য সরকারঙ্କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେବଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ଦଳ କହିଛି 4ଟି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତା ମୁହଁରୁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୋଭା ପାଇନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସୈତାନର ବେଦପାଠ ଭଳି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ସେ ହତ୍ୟାରେ 4-4ଟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପାପି ସେନା ଆମେ ସୈତାନ କରୁଛି ବେଦ ପାଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ପାପି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ଲଗାମ ଛଡ଼ା ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳର ନେତାମାନେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମାର୍କା ଥିଓରିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନାଟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଏବେ ଦଳ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କେମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଜି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିକି ବିରୋଧୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ ଥିଲା ସେ ପାପ ଧୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ସବୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ ପାପି କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନା ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ 4-4ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହତ୍ୟାରେ 4-4ଟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପାପି ସେ ନା ଆମେ ମହାଙ୍କା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍କା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ
केवल महांगा डबल मर्डर नुहे एही घटनार मास्टर माइंड कहुवा प्रफुल्ल विश्वाल मृतदेह मिलवा पर बद को मध्य आसीथिले मंत्री से परि 2018 मसीहा विकास जेना हत्याकांड और 2014 दीप्तिकांत साहू हत्याकांड रे मध्य बद को आसी मंत्री प्रताप जेना। भुवनेश्वर रोशन रथ और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बिलरे पाचुची बिलाती राज्यर विभिन्न स्थानर आसिला हेबिल दृश्य केउठी एकर एकर जमीरे बिलाती पच्ची नष्ट होउथबा बळे अन्य केउठी मागणारे बंटा जाउछे शीतल भंडार नथिबारु संरक्षित होई पारुनी बिलाती फळरे चासींक मध्यरे असंतोष बढ़िवार लागिछे एपरिकि जाजपुर बरीरे चासी बिडियोंक चौकी उपरकु टमाटो माड़ा करिछन्ति। बिलरे पचुची बिलाती शिथिल हो पड़ी शीतल भंडार प्रकल्प अभावी बिक्री करने को बाध्य चाषी बरी में विडीओ चौकी उपरे टमाटो फिंगिले चाषी ए दृश्य हूँ राउरकेला नुआगा अंचल बाध्य चाषी मैंने लोकों मगणारे बांटुंट बिलाती बैगण और कोबी ट्राफिक गेट निकट में ट्रक ट्रक पर लोकों मध्य बंटा जा शीतल भंडार नथिबारु टमाटो हेउची बंधाकोबी संरक्षण होई पारु शिथिल होई पड़ी शीतल भंडार प्रकल्प फळरे बाध्य होई चासी माने केजी केजी टमाटो टंकाटियारे बेपारी को बिकुचंती मजूरी कि भड़ा उठु नथिबारु बिलेरे पची नष्ट हेउची बिलाती बैगण टमाटर तो बिक्री होई पारुनि पची सड़ी नष्ट होउची आम एरिया रे जदि गोटे कोल्ड स्टोर थांदा आमे उपकृत है पर तो दुनिया कर्जा दाम धार करी कि यदि बिक्री न होबा हमें कौन करिवो चासी एति पे आत्महत्या करूची आ ए परिवा एमिति सस्ता हो जाई जे आ हमें ताको बिक्री करि पारनो किलो 2 टंगारे मधे कोनोसी व्यापारी कि खाउटी रखनो नांदी आ एठी कोल्ड स्टोर रो कोनोसी व्यवस्था नै आमे सरकार पाखरे बहुत थोर आपत्ति अभियोग करछि देखो कोल्ड स्टोर गोटे करा जाउ ब्लॉक स्तर रे गोटे कोल्ड स्टोर करले आमे ये जिनस गुड़ा जोड़ा एटी चाषर अमल होमें रखिपारत समय अनुसार बिक्री कर दिपा पातु कि सरकार से जमा कार्यानुषाना जाजपुर बरी में भी देखा मिली टमाटो ताति शीतल भंडार अभाव संरक्षण हो पार नहीं टमाटो एपरिक प्रचुर अमल होता बेले बिक्री उपयुक्त बजार ना टाए 2 टकर बिक्री हो टमाटो और बैगण जहाँ चाषी ताती आज देखा मिले चाषी मैंने वीडियो को चौकी उपरको टमाटो माड़ कर प्रथम नंबर हूँ शीतल भंडार द्वितीय हूँ करमुक्त जलसेचन तृतीय हूँ जो बंधटी बर्तमान ये अंचल घेरीबंध सुदृढ़ भाव करते दुर्नीति गंध स्पष्ट बारी हो दुर्नीति गंध बारी नाप अति सुदृढ़ भाव करवा यही तीन हेल्ले चाषी सुरक्षित है आम दाबी करम बरी में गोटे शीतल भंडार हो आमर जो चाषी मैंने जो पनीपरिया भलमंद पनी टमाटर ए 2 टाँह आउ 2 मस पर आम कि 60 टाँह आम तो रखि हेनी तेणु आम चाष कर खाऊना हईराण हो मजूरी दे पार नमी तेणु ए बाबद किसी न हो आम चाष खर्च करूँ जी तार अधा भी आम पाऊन तेणु आम बाध्य आत्महत्या करूँ ना आम विकल्प पंथा कि ना मो पाक प्राय नोटिस ना सेकेंडली जो डिमांड था कि आम ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ना से तार प्रतिवाद से टमाटर पर चर अफिस ढाते बुझाजा कला रिपेन्स रूम रखी बिलाती बैगणर अभावी बिक्री चाषी को ना मिलूँ परिश्रम मूल्य ना मिलू बिलातीर राउरकेलु अमीय पैडा और बरीरु सत्यरंजन कर रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कंदरपुर कॉलेज रे चली अध्यक्ष मेरी राज 35 वर्ष है कॉलेज अध्यक्ष पदरे थे भी बदली होपरिक अर्डर आसिले हो जाए क्यासल बीजेडी विधायक चंद्रसारथी बेहरा खास हो अध्यक्ष बदली हो नथिबा अभियोग होइछे विधायक मो बस कंदरपुर कॉलेज रे चली अध्यक्षक मेरी राज बीजेडी विधायक
ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ଖାସ୍ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର। 35 ବର୍ଷ ହେଲା କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ଶାରଦା। ବଦଳି ହେଲେ ବି କ୍ୟାନସଲ ହୋଇଯାଉଛି ଅର୍ଡର, କାହିଁକି ଶାରଦାଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ କନ୍ଦରପୁର କଲେଜର କରିତ କର୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର। କଲେଜରେ ବାବୁଙ୍କ ରାଜ, କାରଣ କଟକ ସଦର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା ତାଙ୍କ ବସ୍। ଏ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ନଭେମ୍ବର 28, 1986 କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର। ଏହାରି ଭିତରେ 35 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଶାରଦା ବାବୁ ସେହି କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି। 2014 ତାଙ୍କର ବଦଳି ଅର୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବଦଳିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କପି, ହେଲେ ସେ ବି ବାତିଲ ହୋଇଗଲା। ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖାଗଲା ତାହା ଅନେକ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉତ୍ତର ରଖାଗଲା ଶାରଦା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିର ମୁଖ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ଅର୍ଡର ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଦା ବାବୁ, ଆଉ କରିତ କର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଦରପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି, କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ନେଖା ହେଲା ରହିଲେଣି, ଚାକିରି ଜୀବନ କାଳ ଏଠି ତାଙ୍କର ସରିବା ହେଲାଣି। ସରକାର ନିୟମ ଥିବା ଅଛି 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ହେବାର ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜର ରାଜନୀତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ରଖିକି ସେମାନେ ଆଦୌ ବଦଳି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ଏମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂଆ ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ, କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଉନାହିଁ? କାହିଁକି ଶାରଦା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା? କାହିଁକି ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ? ବିଧାୟକ ଚଲାଉଛନ୍ତି କଲେଜ, ଆଉ ଶାରଦା ବାବୁ ତାଙ୍କ ମୋହରା। କଲେଜ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି? ଅର୍ଥ ହେରଫେରରେ କାହାର କେତେ ଭାଗ? କଲେଜରେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି? ଶାରଦା ବାବୁ ବଦଳିଲେ କ'ଣ କଲେଜ ଚାଲିପାରିବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଶାରଦା ବାବୁଙ୍କ ବଦଳି ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ସେ କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ରାଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।